रही है। आगामी समय में सावन में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर तरह तरह की राजनीतियां शुरू हो गई है। 20,000 फीट की जमीन पर बोर्ड लगाकर शमशान बनाने की कयावत की जा रही है। रहवासी इसको लेकर परेशान हो रहे हैं। बीजेपी के विधायक महेंद्र हाडिया और क्षेत्रीय पार्षद भी इसका विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके उनकी बात को भी दरकिनार किया जा रहा है। रहवासी इसको लेकर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा टेंडर प्रक्रिया भी जारी की जा रही है। राकेश यादव ने आरोप लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल में खुले में अंतिम संस्कार नहीं करने के आदेश है, वहीं मंत्री और नगर निगम द्वारा खुले बम दाह संस्कार करने की बात कर रहे हैं। गांव के लोगों को नया शमशान देने की बात कर भोले भाले लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि किसी भी बिल्डर या मंत्री को लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। देखिए, जो कैबिनेट मंत्री हैं तुलसी सिलावट जी, उन्होंने एक पूरा का पूरा शमशान ही गायब कर दिया है। पिपलिया कुमार के पास आज से महीने भर पहले शमशान का शेड और चिता स्थल था, उसको पूरी तरह तोड़ के नाले में डाल दिया गया और उस पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। बालाजी हाइट्स के पीछे की ये जमीन है जहाँ ये पुराना शमशान स्थल था। गांव के लोग, कोई बुजुर्ग की डेथ होती थी तो साल दो साल में एक दो अड़तियाँ वहाँ जलती थी। इसके बाद उस जमीन पर कब्जा करा, उस जमीन की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यू है, 10 करोड़ से ज़्यादा है। इसके बाद एक और नया काम करा कि शमशान स्थल का एक बोर्ड मास्टर प्लान की जो सड़क है उसके बीचों बीच लगा दिया और वहाँ दो पतरे का शेड लगा के नगर निगम से एक अवैध टेंडर निकला दिया कि यहाँ शमशान स्थल का निर्माण होगा। इस मुद्दे को लेके वहाँ जितने आसपास बिल्डिंग्स हैं, जितने रहवासी हैं, भवंस स्कूल्स हैं, अन्य बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज हैं, कॉलेज हैं, उन सब से वो शमशान स्थल हटाने के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। सरकारी ज़मीन अगर होती तो वहाँ शमशान बन सकता है, वो भी सारी अनुमति लेने के बाद, लेकिन सड़क के बीचों बीच जो सड़क की ज़मीन है उस पर शमशान बनना कैसे संभव है? मंत्री ने ये कारनामा कर दिखाया। मंत्री के समर्थक लगातार लूटने में लगे हुए हैं। इसका विरोध बीजेपी के सिटिंग MLA महेंद्र हाडिया ने करा तो उनके विरोध को दरकिनार कर दिया। वहाँ का जो वर्तमान का पार्षद था, पूर्व पार्षद बीजेपी का, उसने विरोध करा, उसको दरकिनार कर दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि सिंधिया के जो लोग हैं वो लगातार मध्य प्रदेश को लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार नेता उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात, निपानिया और पिपलिया कुमार के गांव के वोट लेने के लिए उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि आप खुले में अपने यहाँ का दाह संस्कार करें, जबकि कोरोना काल चल रहा है और मंत्री तो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि कैसे स्वास्थ्य मंत्री होंगे जो वोट के लिए किसी की भी जान की परवाह ना करके खुले में अंतिम संस्कार करने का टेंडर लगवा रहे हैं नगर निगम से, उसका शेड बनवा दिया है दो चद्दर का, उसको ये शमशान बोल रहे हैं। अपने आप में ये इतना बड़ा मामला है कि इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार किस दिशा में जा रही है और इनके मंत्री किस तरीके से जनता को लूट रहे हैं।